नमस्कार व्यूअर्स, हम सभी सोचते हैं कि मैं भारतवासी हूं और इस पे हमें गर्व भी है, और खास करके भारत की जो महिलाएं हैं उन्होंने जो एक अपने अपने क्षेत्रों में उत्तम से उत्तम कार्य किए हैं, और उसमें से एक कार्य ऐसा भी है कि हमारे जो सैनिक भाई हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं बहुत बहुत सालों तक, और जिन्हें परिवार के साथ मिलना बात करना सौभाग्य नहीं होता है, पर उन्होंने अपना पूरा जीवन देश रक्षा में लगा दिया है, ऐसे लोगों के जीवन में भी कुछ आनंद के पल और कुछ परिवार का प्रेम देने का काम एक हमारी बहन कर रही है। और उनको वैसे ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, फिर पहले तो मैं उनका स्वागत करती हूँ और उसके बाद हम उनको नमस्ते। पार्वती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिवा के कार्यक्रम में। सो पार्वती जी को एक पत्र आया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिसके थोड़े से चार पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ और फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 23 अगस्त 2021 में ये पत्र लिखा है। श्री श्री पार्वती जहांगीर सुतार जी, रक्षाबंधन के अवसर पर राखी भेजने के लिए हृदय से आभार। और देश जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है तो इस वर्ष यह पावन पर्व एक प्रकार से अमृत पर्व का भी हिस्सा बन गया है। मुझे विश्वास है कि देश और समाज की बेहतरी के लिए आप निरंतर प्रयास करेंगे। नरेंद्र मोदी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अनकोट। तो ऐसा सम्मान जिन्हें मिला है, और इतने छोटे आयु में उन्होंने, और एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है कि यूएन की वो एक जो रिपब्लिक ऑफ वीमेन एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, जो भारत के लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि वहां पे 120 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें से पार्वती जी सिलेक्ट हुई है। तो बाकी की सारी बातें हम उनसे बातचीत में ही जानेंगे, तो बातचीत शुरू करते हैं। पार्वती जी, जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आपको खत लिखा है और बहुत सारे ऑफिसर्स ने भी आपको अप्रिशिएट किया है, तो हम आपके बचपन और जीवन के बारे में तो जानेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि सर का लेटर मिलके कैसे लगा? बिल्कुल, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और सबसे ज्यादा मुझे गर्व महसूस हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमारे देश को चला रहे हैं और आज की युवा पीढ़ी को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि किस तरह मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हमें किस तरह से आगे बढ़कर अपने राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। तो मैं हमेशा उनको अपना प्रेरणा सूत्र मानती हूँ। स्वामी विवेकानंद जी के बाद में मैं जब भी नाम लेती हूँ तो नरेंद्र मोदी जी का नाम लेती हूँ, और उन्होंने हमें बहुत ज्यादा सिखाया है। और मुझे खुशी होती है कि मेरे कामों को और मेरे जैसे छोटी सी बच्ची को भी वो इतना उत्साहित होकर लेटर लिखते हैं, और एक बार भी नहीं, हर साल उनका लेटर आता है मुझे, तो मुझे हमेशा वही खुशी रहती है, क्योंकि जब भी मैं बॉर्डर से होकर आती हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, मेरा कई महीनों से प्रोग्राम तय होता है पहले से, और मुझे बहुत सारे भाइयों को राखी भी भेजनी पड़ती है और बहुत सारे भाइयों को राखी बांधने जाना भी पड़ता है। उसके साथ में मोदी जी को और अपने जो भी जिनको मैं जिनसे मैं सीखी हूँ उनको भेजती हूँ। तो जब मैं वहां से बॉर्डर से वापस आती हूँ तो मुझे हमेशा से ये रहता है कि कब उनका लेटर आएगा, कब उनकी बातें मैं सुन सकूंगी, उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो ये उनके आशीर्वाद का मैं हमेशा से इंतजार करती रहती हूँ, और जो मुझे हमेशा एक नई शक्ति देता है आगे बढ़ने की। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, और हम सभी को इस बात को कहने में बहुत खुशी और गर्व महसूस होता है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले कि हम सबको लगता है कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ये देश हमारा है और हमें सारी काबिलियत है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सभी की। पार्वती जी, कैसा रहा आपका बचपन? मेरी लाइफ के बारे में कुछ कहूँ तो कुछ अलग ही है और जहाँ तक है, मैं खुद भी अभी तक भी खुद को शायद मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से खुद को समझ भी नहीं पाई हूँ कि मैं किस लिए भगवान ने मुझे किस लिए बनाया है और मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है अपने भगवान पर कि मुझे इस राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए भेजा है, और समय समय पर वो मुझे मार्गदर्शन करते रहेंगे और मैं उसी रास्ते पर चलती रहूंगी। जहां तक मेरे बचपन की बात है तो मैं एक बहुत ही सिंपल फैमिली से आती हूँ, और कास्ट वाइज भी बात करें तो एक सामान्य कास्ट है जिसका हर समाज ने उसको तवज्जो भी दिया है, मान सम्मान दिया है, और हर एक वर्ग ने उसको अपनाया है, और समाज में मतलब एक सुथार समाज
जिसका जिसके बिना किसी का काम नहीं पूर्ण चलता। नहीं हो सकता है। भगवान विश्वकर्मा के हम वंशज है, तो जी भगवान विश्वकर्मा के बिना किसी को किसी का भी कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं एक ऐसे समाज से आती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये देखा था, जिस भी गांव में या जिस जहाँ पर हम पले बड़े, तो वहाँ एक सोसाइटी में एक कल्चर था। और स्पेशली मैं राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान से आती हूँ, तो वहां पर बेटियों को एक समय था कि पेट कोख में ही मार दिया जाता था, और बेटियों का इस बोझ समझा जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप को ये चिंता रहती थी कि जब बेटियां हो जाएगी तो उनकी शादी पे विवाह में दहेज की एक प्रथा थी। तो उसको लेकर हमेशा से ये रहा है कि बेटियां बेटियों को इतना आजादी नहीं मिली। लेकिन मेरा परिवार एक सिंपल परिवार था, हम 5 बहनें हुई, उनमें मैं सबसे छोटी बहन रही। लेकिन परिवार की ऐसी गंदी सोच नहीं थी, बेटियों को जन्म दिया तो उनको पालन पोषण भी दिया, और उनके लिए जो जरूरत की चीजें थी वो भी देने की कोशिश की। और मेरा एक बॉर्डर है, मेरा गांव राजस्थान में बाड़मेर से भी 60 किलोमीटर दूर, एक बॉर्डर की मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर ही मेरा गांव है, वहां पर ओहो मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद जोधपुर में आना हुआ, वहां पर मेरी स्टडी भी हुई, पढ़ाई भी हुई। लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स में ये रहा कि पढ़ाई करके क्या करेंगे, या फिर एक समय आ जाता है जब बेटी 16 साल से ऊपर हो जाती तो शादी करना है। और बाकी मेरी बाकी बहनों के साथ भी यही हुआ, जिम्मेदारी। आसपास की बाकी महिलाओं के और लड़कियों के साथ में भी यही हुआ। पर मैं आज देखती हूँ कि मैं एक पहली थी उस समय जो मैं बाहर निकली, मुझे 10th के बाद में आगे पढ़ने का मौका मिला, मुझे कॉलेज जाने वाली मैं एक पहली लड़की थी अपने समाज में, जहां तक हम रहते थे उस समाज में। मैं पहली बार ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर निकली, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने का मुझे मौका मिला। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि आप अपने अंदर एक उस चीज को जगाएं कि आपको करना क्या है, तो जरूर आपके पेरेंट्स भी साथ देंगे, आपके आसपास के लोग भी साथ देंगे, और मुझे भी मेरे पेरेंट्स का और सब लोगों का साथ मिला, तो अब मैं आगे बढ़ रही हूँ और मुझे मौका भी मिला। बहुत आपने 2-3 बातें बहुत इम्पोर्टेंट कही कि एक तो बेटियां बोझ, केवल राजस्थान में नहीं काफी क्षेत्रों में हम ये बात देखते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें माँ बाप का कोई दोष भी नहीं है। ये बात समाज ने इस तरह से बनाई है कि उन्हें भी मजबूर होकर ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। दूसरा, मैंने बहुत सुना है खास करके राजस्थान के बारे में बाल विवाह, और जिसमें ना केवल लड़कियां बट लड़के भी उसका शिकार बन रहे हैं। आपको इस बात का सामना करना पड़ा? जहां तक कह सकूं तो परिवार में जरूर था, जब तक दादा दादी साथ में थे तो उनकी सोच ये रही थी कि पढ़ाई करके क्या करें, क्योंकि मैंने बाकी बहनों के साथ में देखा था और अपने लिए मैंने कम देखा, क्योंकि पेरेंट्स का होता है कि लड़के को पूछ कर शादी नहीं करते हैं, तो मेरे तक वो बात कभी पहुंची नहीं और मैंने कभी परिवार से पूछने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इस जिस क्षेत्र में गई हूँ, तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स यही सोचते हैं कि जो पार्वती चाहती है वैसे ही होगा। तो बचपन में ऑलरेडी होता है, पेरेंट्स का एक ही सपना होता है कि बच्चे बड़े हो जाए, उनको जरूरत की चीजें मिल जाए और शादी करना, यही उनका सबसे लास्ट एम रहता है, तो स्पेशली वो रहा है सब में। लेकिन अभी बदलाव आ रहा है और राजस्थान में भी काफी प्रोग्रेसिव थॉट अभी चल रहा है, और शायद वो प्रथा काफी हद तक बंद हो रही है। और जैसे आपने कहा कि बेटियों को भी इस बात की समझ आई है कि उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा होने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है, तो वो परिवार के साथ देता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, पहली राखी आपने कब बांधी किसी सोल्जर भाई को? ये सिलसिला तो कई सालों से चल रहा है, और मेरे गुरु हैं एक तरह से, मेरे जीजू हैं, जिन्होंने भी अपने बचपन से ही, वो भी बॉर्डर इलाके से आते हैं, उन्होंने ये एक मुहिम स्टार्ट की थी कई सालों पहले, बॉर्डर पर जाना फौजी भाइयों, क्योंकि फौजियों ने हमें, क्योंकि हम फौजियों के साथ में पले बड़े एक तरह से, तो उन्होंने आर्मी ने और फौजी भाइयों ने हमेशा से सपोर्ट किया है गाँव वालों का, समाज में सेवा का उन्होंने हमेशा सेवा की है। तो उसी तरह से मेरा भी एजुकेशन बालिका आदर्श विद्या मंदिर से हुई, और जब मैं वहां पर पढ़ती थी तो वहां पर भी हमें ये सिखाया जाता था, हर एक त्योहार के बारे में महत्व सिखाया जाता था। तो उसी तरह जब रक्षाबंधन आती थी तो हमसे राखियां बनवाई जाती थी बॉर्डर पर भिजवाने के लिए, तो तब मैंने राखी तब भी मैंने भिजवाई थी, और उसके बाद में मैंने भी ठान लिया था कि मैं भी बॉर्डर पर जाऊंगी और अपने फौजी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधूंगी। तो फिर मेरा 10th और 12th होने के बाद में मैं
रेगुलरली बॉर्डर पर जाती हूँ, और अब मैं लगभग पिछले 7 से 8 साल से मैं 15 दिन तक बॉर्डर पर रहती हूँ और हर एक डीओपी को कवर करना की कोशिश करती हूँ। क्योंकि जब मैं पहली बार बॉर्डर पर गई और मेरे अपने फौजी भाइयों को मैंने देखा नजदीक से, जब उनकी कलाई पर मैंने राखी बांधी तो उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो कहीं और नहीं थी। क्योंकि हम घर में त्यौहार जरूर मना लेते हैं अपने भाइयों में अपने, लेकिन एक हमारे लिए एक छोटी सी रीत हो गई है, उस रीत को हम निभाते हैं। लेकिन जब बॉर्डर पर जाकर हम भाइयों के हाथ में हम कलाई पर सुनी कलाई पर राखी बांधते हैं तो उनमें जो एक उत्साह होता है, खुशी होती है, वो एक अलग ही खुशी होती है। और फिर जब वो कहते हैं कि हमारी बहन यहाँ आई है हमें राखी बांधने, और कब कुछ ऐसे फौजी भाई मिलते हैं जो कहते हैं मैंने कई सालों से अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाई है, और कई कभी तो उनके पास राखी पहुंच भी नहीं पाती थी, और राखी जाने के 5 दिन 6 दिन बाद में उनकी बहनों की राखियां पहुंच पाती थी। बॉर्डर पर ऐसी सिचुएशन पिछले 7-8 साल पहले होती थी, लेकिन अब थोड़ा सिचुएशन बदल गई है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है सभी महिलाओं को कि आप बॉर्डर पर जाएं, राखी बांधे और अपने फौजी भाइयों से मिले। तो बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी मिनिस्ट्री में जो भी महिलाएं हैं वो भी जा रही है, तो अभी बहुत ज्यादा एक योगदान बहनों का बन रहा है, तो हर बॉर्डर पर जाने का मौका मिल रहा है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं मुझे इस मुहिम का हिस्सा बनने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसके अंदर। कितने भाइयों को अब तक, सैनिक भाइयों को आपने अब तक राखी बांधी है, कुछ काउंट रखा है? ऑफकोर्स नहीं रखा होगा, फिर भी कई लाखों राखियां मैंने खुद हाथ से बनाई भी है और अपने भाइयों को बांधी है, तो इसकी कोई गिनती नहीं है क्योंकि मैंने भारत का लगभग सारा बॉर्डर मैंने एक एक बॉर्डर कवर कर कवर दिया किया है अपने। जी 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 अभी सिर्फ पश्चिम बंगाल का बॉर्डर कुछ बाकी रह गया है, बाकी मैंने हर एक जो सशस्त्र बल जितने भी हैं जो भी उनके साथ कवर करने की कोशिश की है, अभी आर्मी के साथ भी जा रही हूँ। तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं बॉर्डर अपने भारत की चारों तरफ, भौगोलिक दिशाएं अलग अलग है, भौगोलिक परिस्थितियां अलग अलग है और वहां की सिचुएशंस भी अलग होती है, और उनके सामने जो एक काम करने का एक जज्बा होता है, काम करने की सिचुएशंस भी अलग अलग होती है, तो वो किस तरह से वहां पर बॉर्डर पर रहकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और किस तरह से हमें वो मोटिवेट कर सकते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में, हमारा राजस्थान का जैसे क्षेत्र है वो बहुत ही रेगिस्तान का क्षेत्र है और अभी गर्मियों के टाइम में बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, एक दूसरे को हम आसपास से देख भी नहीं सकते, इतनी आंधियां चलती है, उस गर्मी में वो उस बॉर्डर पर कैसे रहते हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है जहाँ बर्फ के इलाके हैं, वहां पर सब तरह की फोर्सेस रहती है, आर्मी, बीएसएफ, आईटीबीपी, तो सब लोग वहां पर रहते हैं, तो वो किस तरह की सिचुएशंस बर्फ में 6-6 महीने तक तो उनके पास राशन को इकट्ठा करके रखना पड़ता है, राशन नहीं मिल पाता है और 6-6 महीने तक वो बर्फ में गिरे रहते हैं, तो वो मैंने नजदीक से जाना है कि वो वहां पर कैसे रह रहे हैं। इसी साल में जम्मू भी जाके आई थी, जम्मू लद्दाख कश्मीर मैंने पूरा कवर किया था और मेरे लिए बहुत, और गुजरात का अपना जो क्षेत्र है जहाँ पानी का बहुत बड़ा इलाका है, और रण कच्छ का क्षेत्र है जहाँ पर गुजरात में तो 100 किलोमीटर तक तो कोई पक्षी भी दिखाई दे दिखता नहीं है वहाँ बॉर्डर पर, मतलब इतनी वो चीजें हो जाती है। और उसके अलावा अपना बंगाल का क्षेत्र है जहाँ एकदम ही सिचुएशन अलग है, मच्छर और वहाँ की वो चीजें, तो हर तरफ उनको एक अलग अलग सिचुएशंस में उनको डील करना पड़ता है और हार्ड ड्यूटी करनी पड़ती है उनको, और 24 घंटे में वो 16-16, 18-18 घंटे वो ड्यूटी करते हैं, तो किस तरह से वो हमें यूथ को भी मोटिवेट करते हैं। जब मैं उनके साथ में रहती हूँ, उनकी हर एक स्थिति और परिस्थितियों के बारे में यूथ को अवगत कराती हूँ, तो उनको भी लगता है कि जब वो हमारे देश के, ये बात मैं आपको पूछना चाहती थी, पहले उसके पहले एक बात पूछूंगी कि ये जो बॉर्डरलेस डिजिटल स्टेट रिपब्लिक ऑफ वीमेन हुआ है, पहले थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, डिजिटल, बॉर्डरलेस डिजिटल का क्या मतलब है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो उन सभी औरतों के लिए, क्योंकि औरत जो है वो, उसकी कोई एक सीमा नहीं है कि उस सीमा के दायरे में रहकर वो काम करे, क्योंकि औरत को हमेशा यही सिखाया जाता है कि आपका इतना ही दायरा है, आप उसमें ही काम करें, या एक औरत को सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आप घर के ही काम करेंगे, और लड़की को सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आपका पढ़ाई करना है, सिर्फ आपकी आगे नौकरी करना है नहीं करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और जो नौकरी कर रही है तो उनको भी यही कहता है कि आपको सिर्फ नौकरी से मतलब है, आपको उससे आगे की दुनिया से कोई मतलब नहीं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये थोप दिया जाता है कि आप इतना ही काम करेंगे, उससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है, आपको वो सोच नहीं सकती, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है उसके लिए सोचने का, या ये सब चीजें उनके मन में थोप दी जाती है। तो उसको हटाने के लिए कि महिलाओं की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि हर एक काम महिलाओं के बिना नहीं हो सकता, और महिलाएं सब जगह
मिलकर अच्छे से अपनी भागीदारी निभा सकती हैं और उनको बढ़ चढ़कर आगे बढ़ना चाहिए, तो उनको एक अलग प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए, क्योंकि देश सीमाओं में जरूर बंधा है, हर एक देश अपनी सीमाओं में, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में बंधा है, लेकिन महिलाओं की अपनी कोई सीमा नहीं है, वो हर एक क्षेत्र में जा सकती है, अपना काम कर सकती है और अपना वर्चस्व दिखा सकती है। तो इसलिए उन सभी महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए, उनको जोड़कर और सबके सहयोग से आगे बढ़ने के लिए, उत्साहित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। बहुत सुंदर थॉट है और ये बात तो है, एक मानसिकता बन गई है कि मैंने अब तक बहुत सारी महिलाओं के साथ कार्यक्रम किया है और हर एक की अपनी कहानी है और बहुत ही प्रेरणादायी कहानी है। अच्छा, एक अभी आप बात कर रहे थे कि अलग अलग माहौल में हमारे सैनिक भाई काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनका वो जो सेवा, देश सेवा का जो जज्बा है, जो एक प्राइड उनके पास रहता है, वो सब सारा कंफर्ट मिलके भी हमारे पास नहीं है। और दूसरा ये है कि इतने सालों तक वो लोग ऐसे अपने इतने कठिन कंडीशंस में काम करते रहते हैं, फिर भी आप देखेंगे कि जहां भी नेचुरल कैलामिटी आती है या ऐसे भी कोई सिचुएशन आती है, तो फिर भी उतने उत्साह से वो लोगों की सेवा में लग जाते हैं। और कहाँ से वो हौसला लाते समझ में नहीं आता है, पर हम तो रोने धोने पे उतर आते हैं, लेकिन वो हौसले से काम करते हैं और सबको निकालते हैं। ऐसा कोई अनुभव है आपका जहाँ पे आपने देखा हो कि ऐसे कोई भाई है जिन्होंने आपको प्रेरित किया हो पर्सनली? वैसे तो सभी करते, लेकिन ऐसा कोई क्लोज अनुभव? मेरे परिवार से अगर मैं बात करूं, मैं फौजी भाइयों के साथ में ही मेरा सबसे ज्यादा समय रहा है अपने जीवन का, मैंने अधिकतर समय उनके साथ में बिताया, क्योंकि जब बचपन से स्कूलिंग की उसके कोई मायने नहीं थे, कि कोई लक्ष्य नहीं था कि क्या करना है, कैसे बनना है, एक नॉर्मल लाइफ की पढ़ाई तो करनी है, स्कूल जाना है, जाते थे आते थे, तो नॉर्मली वहीं तक सीमित थे, उसके अलावा हमने कुछ ज्यादा देखा भी नहीं था। लेकिन जब से फौजी भाइयों के साथ में जाना स्टार्ट किया है, तो मैंने पूरी दुनिया को घूमा है, पूरी यहाँ तक कि भारत से बाहर इसराइल तक जाने का मुझे मौका मिला, वो भी मैं एक ही अपने फौजी भाइयों को ही कहती हूँ कि उनका कहीं ना कहीं मेरे ऊपर आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन रहता है। तो हमेशा से जब हम वहाँ जाते थे तो सिचुएशन और ये चीजें देखते, क्योंकि मैं लगभग 10 से 15 दिन तक वहाँ पर जी, साथ और वहाँ पर अलग अलग सिचुएशन होती है, और मोबाइल नहीं अपन यूज कर सकते प्रॉपर, हमें नेट नहीं मिलता, और आज के जमाने में नेट के बिना हम किसी रह भी नहीं सकते, एक घंटा भी नहीं रह सकते। तो उस समय वो ऐसे समय में भी वो अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर पाते, अपने परिवार से बहुत कम जुड़ा होता है, और भारत के कई दूसरे कोने में जहाँ सुख सुविधाओं से वो बहुत ज्यादा परे आगे रहते हैं, जहाँ चकाचौंध बिल्कुल भी नहीं है, और एक बॉर्डर, खाली बॉर्डर है, जहाँ सामने भी कोई बॉर्डर नहीं है, जो सामने भी कोई खड़ा फौजी हो उसको भी देखकर ये कहे वो भी हमारे अपने देश की रक्षा कर रहा है, तो मैं भी अपने देश की, तो क्योंकि अपने ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो वहां पर वो उनको कोई फिक्र नहीं है अपने देश की कि हम बॉर्डर पर रहकर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, तो लेकिन हमें हमारे फौजी भाइयों को हमारे देश को सुरक्षा की, अपनी सुरक्षा की वहां के साथ खड़े रहते हैं, तो उसमें भी वो अपने मोटिवेशन को किस तरह से बना के रखते हैं। तो मैं उनके जो सर है, डीआईजी सर होते हैं या आईजी सर होते हैं, उनके उनको मैं उनसे ज्यादा प्रेरित होती हूँ कि वो अपने बच्चों को किस तरह से संभालते हैं, उनको अपने उनके लिए वो अपने बच्चे ही है, क्योंकि एक परिवार में भी मार्गदर्शन देना या पेरेंट्स अपने पिता अपने बच्चे को भी कुछ कह देता है तो बच्चा नाराज हो जाता है, या मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा, तो उन सबको वो किस तरह से जोड़ के रखते हैं, किस तरह से मोटिवेशन उनके अंदर बनाए रखते हैं, और जब भी देखते हैं तो एक जोश के साथ में आगे बढ़कर वो काम करते हैं, तो ये मुझे हमेशा से प्रेरित करता आया है कि जब ये इतने सारे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, और देश की रक्षा में वो हमेशा साथ देते हैं, तो हम तो एक छोटे से परिवार में आते हैं, परिवार में सबसे ज्यादा कितने 10 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा, और उससे भी बड़ा परिवार होगा तो 15-20 लोग होंगे, तो हम 15-20 लोग एक दूसरे को संभाल नहीं सकते क्या, हम एक दूसरे को मार्गदर्शन नहीं कर सकते क्या? अगर हम ही अपने घर से शुरुआत करने लग जाए कि हमें एक दूसरे को संभालना है, सही मार्गदर्शन देना है, और गलत प्रवृत्तियों में जाने से बचना है, और राष्ट्र को अपन प्रथम रखते हुए कुछ काम करें, जो भी काम करें, जिसकी भी जो भी इच्छा है, कोई बिजनेस करना चाहता है, या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, या बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, या कोई कुशल गृहिणी भी है,
उसको भी समय समय पर हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे मोटिवेट और करें, एक दूसरे के बिल्कुल साथ मिलकर चले तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। और देश जिस संस्कृति से हम उठकर आए हैं, जो हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता रही है, वो फिर से खिल उठेगी। तो ये मुझे हमेशा से इस तरह की चीजें मोटिवेट करती है और मैं भी कोशिश यही रहती है कि हम जिनसे भी जुड़े उनसे बहुत कुछ सीखें और उनको भी हम बहुत कुछ सिखाएं। बिल्कुल। और दूसरी बात, मुझे आपने बहुत अच्छी बात कही कि उनका अपना परिवार ना होके भी वो परिवार की तरह रहते हैं, और हम अपने परिवार में झगड़ा और एक दूसरे का पैर खींचने का काम करते हैं, तो वो बात ना हो और ये उत्साह बढ़ाए, आगे लाए अपने घर घर के व्यक्ति को। बिल्कुल सही कहा। अच्छा पार्वती से एक बात मैं मुझे पूछनी है आपसे कि हम कुछ ऐसी अनहोनी घटनाओं के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं पेपर में कि किसी सोल्जर ने गन उठा के अपने ही बटालियन के 2 या 4 लोगों पे गोलियां झाड़ दी, या अपने बॉस पे गोली झाड़ दी। तो ऐसी अप्रिय घटनाएं होने का कारण तो हम सब थोड़ा बहुत तो जानते ही है कि मानसिक दबाव बहुत बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं वो निकल आता है। परंतु क्या इसके पीछे कोई और मोटिव भी होता है कि केवल और केवल मानसिक स्ट्रेस ही होता है? अब जहां तक कि हम समझ सकते हैं या जहां तक हमने देखा है, तो क्योंकि इससे हम जितना ज्यादा रिसर्च करें उसी को ही सबसे ज्यादा नॉलेज होता है, जो इसके आसपास का होता है वही इसे पूरी तरह से अच्छे से बता सकता है। लेकिन जी जहां तक मेरी सोच कहती है कि इसको पूरी तरह से समझ पाना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि एक मानव शरीर की प्रकृति ही ऐसी होती है कि कब वो क्या सोचे, कब क्या उसके ऊपर डिपेंड रिएक्ट करता है। करें। आप किस प्रकृति में रह रहे हैं, आपके आसपास की प्रकृति क्या है, आप किससे फलीभूत हो रहे हैं, वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो हर इंसान की अपनी अपनी एक गतिविधियां होती है, अपना एक परिवार होता है, अपना एक एरिया होता है जिनके बीच में, क्योंकि हम भले ही कितने ही प्रकृति के बीच में रह रहे हो, कितने हरे भरे पौधों के बीच में और अच्छी हरियाली में रह रहे हैं जहां पर हमें अच्छी ऑक्सीजन मिल रही है, खाने पीने की अच्छी चीजें, शुद्ध चीजें मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा हिस्सा हो जो हमें अनमोटिवेट करे या फिर हमें अलग दिशा में लेके जाए या कुछ अलग सोचने पर मजबूर कर दे, तो वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है या कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जो अपने जीवन को खो देता है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम सुनते रहते हैं कि इन्होंने ऐसे किया, वो उसने ऐसे किया, तो मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आता कि लोग ऐसे क्यों कर लेते हैं। और जब हम अपने ऊपर भी ये सोचते हैं कि क्या हमें जब कुछ चीजें ऐसी नहीं मिल पाती है या हम जो सोचते हैं वो प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो हम भी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो क्या हम इतने आगे तक अपनी सोच डाल देते हैं कि जी हम खुद को खत्म कर दें या किसी और को बिल्कुल, या खत्म किसी और की जान ले। करते जी हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी और को खत्म करना, खुद खत्म हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, जीवन में जो समझ गया है इस जीवन को कि मुझे इस जीवन से क्या लेना है, जीवन मरना मृत्यु एक निश्चय है, जन्म मृत्यु और एक निश्चय है, लेकिन खुद पर इतना हावी हो जाना कि भगवान की बनाई हुई लीला को ही हम अपने किसी की कर जान सकते पे बनना ये बहुत ही हैं। बहुत भयंकर बिल्कुल, बात है। जो ये चीजें हो रही है हम देख रहे हैं कि बॉर्डर्स पर, ये तो एक तरह से मैं एक छोटा सा रीजन यही मानती हूँ कि कहीं ना कहीं वो परिवारों से बहुत दूर रहते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर ये चीजें रहती है, वो परिवार को क्योंकि प्रॉपर ये चीजें नहीं मिल पा रही है वो परिवार के साथ में, और कहीं ना कहीं ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन मैं एक गुजारिश सरकार से भी यही करना चाहूंगी और अपने जो भी फौजी भाइयों के लिए जो भी डिपार्टमेंट्स है, गृह मंत्रालय, उनसे भी यही कहूंगी कि जहां तक हो सके हमारे फौजी भाइयों को वो सारी सुविधाएं देने की कोशिश करें जो एक आम इंसान को मिलती है, जो जिसके लिए परिवार महत्वपूर्ण है, और वो एक प्रकृति उनको निर्माण की जाए उसके आसपास जिसमें वो स्वस्थ और मानसिक स्थिति में वो स्वस्थ रह सके। तो जो परिवार की ऐसी कोई सिचुएशंस रहती है, और मैं उन परिवारों को भी कहना चाहती हूँ जो इसके बच्चे फौज में हैं, जिनके बच्चे आर्मी में हैं, वो परिवारों को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को ये सोचें कि हमारे परिवार का जो हिस्सा जो बॉर्डर पर जा रहा है, जो भाई बॉर्डर पर जा रहा है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारे घर से भी बढ़कर वो देश के लिए है। आप उसको अपने घर से ज्यादा हिस्सा अपने देश के लिए माने, क्योंकि
तो वो देश को एक अपनी ब्यूटी, उसके लिए भगवान ने उसको एक देश की ब्यूटी के लिए बनाया, एक बहुत बड़ा काम है। तो उसे हम अपने परिवार की जिम्मेदारियों से, परिवार की परेशानियों से दूर रखें, परेशान ना करें। उनको खुशियों में उनके साथ रहे और हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, हर परिस्थिति में उनको संभालने की कोशिश करें। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ये सोचे कि भगवान ने हमें बॉर्डर पर तो नहीं भेजा है, लेकिन जो बॉर्डर पर जा रहा है उसकी हम हिम्मत बन सकते हैं। ये बहुत अच्छी सोच आपने कही है, इस बारे में कोई सोचता ही नहीं है हमें, क्योंकि जब वो फौजी है साथ साथ में वो एक परिवार का भी हिस्सा है, वो किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी का पति है, किसी का दोस्त है, और वो भी उसके साथ जाता है, वो भावनाएं उसके साथ जाती है, और जो उसको शायद कहीं ना कहीं परेशान करती है। मैंने एक वर्ड सुना है, मुझे तो पता नहीं, शायद आपको पता है, वो उन इन फौजियों को जिनका ऐसे स्ट्रेसफुल जॉब है उनको पीस लीव करके एक व्यवस्था है, जिसमें ब्रेक दिया जाता है कि वो अपने परिवार के साथ ज्यादा समय, मतलब ऐसी जगह पोस्टिंग की जाती जहां बॉर्डर नहीं होता है, जहां उतना स्ट्रेस नहीं होता है, एंड दे कैन लिव विद देयर फैमिलीज। तो ये व्यवस्था क्या सभी के लिए नहीं होती? जहां तक हर किसी के लिए मौका आता है, लेकिन फोर्सेस में बहुत सारे लोग हैं और बॉर्डर पर रहना भी आवश्यक है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो वहां पर भी रहना किसी ना किसी के लिए जरूरी है। और हर एक पोस्ट की एक अपनी एक लेवल होती है, वहां तक के ऑफिसर्स, वहां तक के जवान, वहां पर रहना एक उनकी ड्यूटी है, तो वो वहां से निकलकर कोई आ नहीं सकते। तो ये एक अपनी जिम्मेदारी है। तो वक्त समय समय पर सबको ये चीजें मिलती है, छुट्टी भी मिलती है, घर जाने का मौका भी मिलता है, लेकिन फिर भी कई एक 5 साल एक लंबा पीरियड कहीं ना कहीं उन्हें अनमोटिव कर लेता है। तो ये हम जैसे नॉर्मल इंसान के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। जो ये ड्यूटी करता है, जो ये हार्ड ड्यूटी करता है, वो ही इसको सही से बखान कर पाएगा। ये बात आपने एकदम सही कही है, क्योंकि हमें कोई बताए कि एक दिन आपको धूप में खड़ा रहना है 8 घंटे, तो फिर हम बात करें कि किस तरह की मानसिकता होगी। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि एक नॉर्मल इंसान के खुद के हक में होता है कि उसे जिम जाना है या नहीं जाना, उसे योगा करना है नहीं करना, आज छुट्टी भी ले ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज नाश्ता किया नहीं किया, अपनी पसंद का किया या नहीं किया, हमें परिवार से 10 दिन दूर रह के आप देख लीजिए। मैं भी जब भी परिवार से 10 दिन दूर रहती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि मैं कब वापस अपने घर जाऊंगी, भले ही मेरे घर में कोई काम नहीं है या मुझे किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी एहसास होता है कि कब मैं अपने घर जाऊंगी, अपने घर पर अपने पेरेंट्स के हाथ का खाना खाऊंगी। तो एक वो अंदर से हो जाता है, आप 2 दिन भी आप अपने परिवार से दूर नहीं, तो उस समय में वो जो 10-15 लड़के होते हैं जवान के रूप में, उनको सुबह सुबह उठना, दर्शन करना अपने शारीरिक रूप से, सारी चीजें जी, 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 जी. और वो सारी सिचुएशंस देखना, फेस करना, वापस आना, फिर अपनी अलग ड्यूटीज करना, तो ये सब चीजें मैटर करती है, अफेक्ट करती है। सही बात है। और मन को केंद्रित रखना अच्छों को नहीं होता है। ये जो आपने कहा कि आपने ऑलमोस्ट सभी बॉर्डर पे आप गए हो, और आपने कुछ 2 संस्थाओं का भी अपने आप निर्माण किया है ना, एक तो ये यूथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आपने रखा है, और दूसरा जो है वो शायद BSF के लिए ही कुछ काम कर रहा है आपका एक ग्रुप। मेरा अपना ये ऑर्गेनाइजेशन एक यूथ पार्लियामेंट ही है, जिसके थ्रू हम युवाओं के लिए स्पेशली कार्यक्रम चलाते हैं युवा संसद के रूप में, और कोशिश रहती है कि जो हमारा यूथ आगे बढ़ रहा है, 5th क्लास के आगे का यूथ है, उनको हम मोटिवेट कर सकें कि किस तरह से हमारे देश में की पार्लियामेंट चलती है, उसके काम क्या है, और हम उसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं। अच्छा, ये पार्लियामेंट का ही पार्ट है? नहीं, गवर्नमेंट का ही पार्ट है, और एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, उसके थ्रू मैं करती हूँ, और मेरा फौजी भाइयों के लिए मेरा एक पर्सनल काम रहता है, पर्सनल ड्यूटी है मेरी अपनी कि मैं उनके साथ में जाऊँ, और ये मेरा निजी रहता है कि मैं पर्सनल इनिशिएटिव है आपका ये। हाँ, तो आपके मतलब ये आप यू कैन चूज नॉट टू आंसर, पर आपके ट्रैवल का वगैरह खर्चा कौन लेता है? चीजें हो जाती है, क्योंकि जहां तक पिछले 5 साल से या जब से मैं काम कर रही हूँ, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई सिचुएशंस आती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपनी फौजी भाई को बहुत सैल्यूट करती हूँ कि वो मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हैं कि सब चीजें आसानी से हो जाती है, व्यवस्था हो जाती है। कोशिश रहती है कि मेरे मुझे जो भी स्टाइपेंड मिलता है या जो भी
चीजें मिलती है उनका हिस्सा मैं बचा कर अपनी इस यात्रा के लिए खर्च करती हूँ और अपने भोजी भाइयों के साथ में समय बिताने की कोशिश करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, अगली बार मैं आपके साथ आना चाहूंगी। बिल्कुल, मैं अभी जा रही हूँ, कल ही मेरा बॉर्डर पर विजिट है, सेवा संस्थान की तरफ से किट्स जा रहे हैं, कोरोना में बचाव के जो किट्स होते हैं वो बॉर्डर्स पर जा रहे हैं, तो वही मैं फौजी भाइयों के साथ में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रही कौन हूँ। से बॉर्डर पे जा रहे हो? हाँ, मैं अभी इस बार हमने राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर चूज किया है, वैसे एक ही बॉर्डर में एक ही इलाका कवर करने में लगभग मुझे 10 दिन लग जाते हैं, हाँ, इस बार मेरा थोड़ा ये है कि 5 दिन में मुझे लगभग पूरा बॉर्डर कवर करना है, तो कोशिश हम यही रहेगी रात भी देख करके हम वहां तक भाइयों तक पहुंच पाए। व्यवस्था पहुंचे। अच्छा, बिल्कुल ओके, एक्सलेंट। और पर्वती अभिनव, आप एक यूथ आइकॉन भी है, क्योंकि यंगस्टर्स के साथ काम कर रहे हो और यंगस्टर्स का माइंडसेट बनाने का काम कर रहे हो, जो कि बहुत बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं आपके मुंह से संस्कृति और समाज ये सारे शब्द सुन रही हूँ। ये ना एक नरेटिव बनाता है यूथ के क्राउड का, और वो बहुत अच्छी चीज है। आप मुझे बताइए कितना मुश्किल है युवाओं को चैनलाइज करना? जहां तक हम बात करें तो इतना भी वो चीजें मुश्किल नहीं है जितनी दिखाई देती है, अच्छा, लेकिन ये है कि अपने अंदर करने का वो जुनून भी होना चाहिए, पर डिपेंड भी करता है कि उसके संस्कार क्या रहे हैं, प्रकृति में वो पला है वो चीज डिपेंड करती है उसके ऊपर कि वो किस रास्ते पर जाएगा। तो मेरा हमेशा से यही सपना रहा है कि कहा जहां तक मुझे काम करने का मौका मिलेगा कि मैंने सबसे पहले एक बहुत कई सालों पहले एक निबंध भी लिखा था, एक निबंध प्रतियोगिता थी कि आज के देश को अगर संवारना है तो किस क्या करना चाहिए, देश को फिर से एक जो पहले विश्व गुरु था वैसा एक बनाना है तो क्या करना चाहिए, तो मैंने उसके ऊपर ये लिखा था कि वेदों की ओर लौटना चाहिए हमें, तो उस वाक्य से मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला था। तो मैं आज भी वही बात करती हूँ कि जो हमारे वेद पुराण रहे हैं या प्राचीन सभ्यता रही है, तो जो गुरुकुल से या जो हमारी संस्कृति सभ्यता जो समय रही है, शिक्षा की प्रकृति हो या घर चलाने की या व्यवस्थाएं हुई थी, वो आज भी हम अगर लागू करते हैं उनको सही तरीके से करना स्टार्ट करें, तो जो जितनी भी अशुद्धियां हैं आज के समय में वो कहीं ना कहीं शुद्ध होने लग जाएगी, जहां तक जितने गलत विचार और गलत काम हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बदलने लग जाएंगे। हाँ, ये जहां तक हम इस ये बातें करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी बात है, बड़ी बातें हैं, ये है वो है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब हम ये चीजें चकाचौंध देखते हैं तो भूल जाते हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं है, हमें आधुनिकता की तरफ जाना है, लेकिन आधुनिकता की तरफ हम जाएं इससे कोई वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीजें हमारे पीछे छूट रही है जिसके कारण मार्केट में इतनी सारी अशुद्धियां फैल गई है, इतनी सारी चीजें गंदी, और हमारा यूथ जो गलत दिशा में जा रहा है, अलग दिशा में जा रहा है, उसे समझ भी नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। एक आज तो 5th के बाद में भी पेरेंट्स से बच्चा छूट जाता है कि बच्चा पेरेंट्स का है भी या नहीं, वो भी उसके ऊपर जी डिपेंड करता है, जी जी बच्चा पेरेंट्स की बात मानने नहीं लगता है, और जी 5th के बाद में वो क्या कर रहा है, कि उसके आगे के क्या लक्ष्य है, बहुत ही मुश्किल हो गया एक आज के बहुत सारा, परिवार में भी एक दूसरे को समेट कर रखना। तो बहुत मैं ये चाहती हूँ कि जो बच्चा जब पहली बार जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तब से वो ठान ले कि मैं जो बच्चा पैदा कर रही हूँ वो एक देश के लिए एक अच्छा नागरिक उत्तम पैदा नागरिक करूँ, बने। और जी एक अच्छा इंसान, एक अच्छे इंसान के रूप में उसको बोलूँ, वो जी क्या बनेगा क्या करेगा हाँ, वो नहीं पता, लेकिन एक मैं उसके अंदर एक अच्छे इंसान को का निर्माण करूँ मैं, तो वही सबसे बड़ी बात है। तो उसके लिए वो जितना प्रयास करे उतना कम है, जितनी अच्छी चीजें वो बचपन से सिखाएगी वो बच्चा भी उसी तरह आगे बढ़ेगा। और जहां तक हम आजकल देखते हैं बहुत सारे फेसबुक भी बहुत सारे वीडियोस वगैरह बहुत सारे वायरल होते हैं, और आज का ये मैं एक तरह से इसको अच्छा भी माध्यम मानती हूँ, सोशल मीडिया का जो माध्यम है बहुत अच्छा माध्यम है, जिसमें हमें बहुत सारी अच्छी चीजें सामने भी आती है, तो छोटे छोटे यूथ भी है बहुत अच्छी वाणी से लोगों को प्रभावित कर देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी एक्टिविटीज से लोगों को प्रभावित कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स की उसके पीछे की जो मेहनत है वो हमें दिखती है, जी क्योंकि कहते हैं कि माँ के कोख से कोई सीख के नहीं आता, तो कोख में सिखाना पड़ता है, उसके प्रति हमें भी वैसा व्यवहार करना पड़ता है, तभी ये चीजें होती है, तो उसको हम समझे और उस तरह से हम
अपने घर से स्टार्ट कर लें तो धीरे धीरे चीजें सब बदलने लगेगी और अच्छा होने लगेगा। हाँ, और मैं आपके साथ इस बात को बिल्कुल एको करूंगी कि परिवार की परवरिश बच्चे में दिखाई देती है, और ये बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है कि जैसी माँ संस्कार देती है वैसे बच्चा होता है। तो ये माँ की जिम्मेदारी ज्यादा है ना कि बच्चे की, तो यूथ पर बच्चों को ब्लेम ना करें। बिल्कुल, बहुत बचपन से ही जरूरत है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि बचपन से हम उसका प्रॉपर वो चीजें नहीं ध्यान रख सकते और फिर उसके बाद में बड़े होने के बाद में वो अलग हो जाते हैं, तो फिर वो पेरेंट्स कहते हैं कि इसमें हमारी क्या गलती, हमने तो एक नॉर्मल अच्छी लाइफ दी, अच्छी चीजें सिखाई, लेकिन हम वो प्रॉपरली वो चीजें नहीं कर पाते जिसके कारण फिर हमें बड़े होने के बाद में ये चीजें देखने को मिलती है, जो आजकल करेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, जो कवर करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल होता है। एक आखिरी तो नहीं कहूंगी पर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न करना चाहूंगी कि आपके नजर में भारतीय नागरिक कैसा हो? मैं बस यही चाहूंगी कि हर एक नागरिक जो भी हो वो कुछ भी काम कर रहा हो, किसी भी स्टेट से हो, किसी भी गांव से हो, जिस जमीन पर वो पला बड़ा है वो उसको अपनी मातृभूमि समझे, एक माँ के बराबर समझे और उससे प्यार करने लग जाए, तो वो पूरे देश के लिए एक अच्छी बात होगी। ये नहीं होता है कि सिर्फ हम ये सोचे कि हमें वो करना है, ये करूंगा तो ही मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा। इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और मेरा क्या कहते हैं उसको एंटी नेशनल स्लोगन शाउट करना, अपनी कंस्टिट्यूएंसी को ना समझना, अपने संविधान को ना समझ के उसके ऊपर अपनी मत रखना, ये सब चीजें ठीक नहीं है, समाज को घातक है और देश को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाली है। बिल्कुल, ये बात तो है, वंडरफुल। कल महिला दिन हुआ अंतरराष्ट्रीय, तो सबसे पहले तो आपको बधाई उसके लिए। और महिलाओं का जैसे आपने शुरू में ही कहा पार्वती जी की, मेरा भी एक अनुभव रहा है, अभी पहला है ना अपने लिए खुद ही एक ये बन जाती है शो स्टॉपर जिसको कहते हैं, वो ही खुद अपने ही संसार और बच्चों में इतनी फंस जाती है कि वो अपनी खुद की आइडेंटिटी भूल जाती है और उन्हें कोई इच्छा ही नहीं होती आगे कुछ करने की, या उन्हें लगता नहीं, विश्वास नहीं होता है कि मैं कुछ कर पाऊंगी। तो मैं तो ये कहूंगी कि किसी पुरुष प्रधान समाज वगैरह की ये कंप्लेन नहीं है, ये खुद आपने ही समझ लिया है कि मैं कुछ नहीं करूंगी। बिल्कुल, जिस तरह से कल महिला दिवस था तो हमारा एक जोधपुर में प्रोग्राम भी हुआ था, मुझे सबसे अच्छी बात वहाँ की यही लगी कि जो प्रोग्राम करने के ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने हर एक फील्ड से एक ऐसी लेडी को बुलाया था जो अच्छा काम करती है, जो पशुओं से प्यार कर रही है, या कोई एक डॉक्टर है, या एक अच्छी बिजनेस वूमन है, या जो एक राजनीति में बहुत अच्छा कर रही है, या यूथ के लिए अच्छा कर रही है, या पोइट्री में बहुत अच्छी है, तो ऐसी हर एक सब्जेक्ट से चुनकर वो महिलाओं को वहां पर लेके आए। और जब मैंने देखा उनकी उपलब्धियों को भी सुना, और क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके बारे में सुनते जरूर है लेकिन उनकी कठिनाइयों के बारे में हम नहीं सुनते, तो मैंने उसी वक्त एक ही चीज सीखी और मैंने सबके सामने एक ही चीज कहा कि ये प्रोग्राम्स, ये डे हर रोज आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कोई दिन एक दिन नहीं होता है, हमेशा सेलिब्रेशन करने का दिन है, लेकिन हम खुद ये समझे कि हमें क्या करना है, क्या आगे बढ़ना है और किस तरह से हम उसे कर सकते हैं, और इन चीजों में हम नहीं रहे कि ये चीजें नहीं हो सकती, ये चीजें होनी चाहिए, जो भी आंदोलन होते हैं कि महिला आंदोलन ये वो, इन सब चीजें भ्रम है, जब तक हम खुद को नहीं संवारेंगे, खुद को नहीं समझेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस तरह से इतनी सारी यहाँ पर जो भी महिलाएं थी, ये डॉक्टर है या कोई बिजनेस वुमेन है, तो हम उनको जब देखते हैं तो खुश होते हैं, यार वो तो बहुत अच्छी है, लेवल पर आ गई, यार उसके तो पास इतना बड़ा बिजनेस है अपना, वो अच्छी इतनी बड़ी डॉक्टर बन गई, या तो उसकी लाइफ सेटल है या वो है, तो ये चीजें लाइफ सेटल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और एक टाइम देखना पड़ता है कि हमें क्या करना है, और उसमें पूरे मन से खुश रहना की जरूरत है, अपन उसमें खुश है कि नहीं है कि हम ये करने में, जब आप खुश नहीं होंगे तब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे, और सबसे पहले अपने मन को मनाने की जरूरत है, दिल को मनाने की जरूरत है कि हाँ ये अच्छा है हमारे लिए और हमें करना है, और जितनी भी कठिनाइयां तो हर एक चीज में आएगी, आप खाना खाएंगे तब भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, कैसी आएगी, किसी को नहीं पता है,
अगर पता होता तो उसकी सॉल्यूशन मार्केट में मिल चुके होते। तो सॉल्यूशन किसी चीज का नहीं है, उसको वो चीजें आने के बाद भी उसका सॉल्यूशन बनता है, तो उसको उसके लिए तैयार है, हर समय के लिए तैयार है। पर अपने आप से कोशिश करें, वरना जब तक आप कोशिश नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप महिला शिक्षा के लिए भी बहुत काम कर रहे हो, है ना? तो थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं? महिला शिक्षा, मैं हमेशा से कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी जर्नी के बारे में लोगों को बताती हूँ कि मेरी जर्नी जो रही है, एक सामान्य परिवार से रही, क्योंकि आजकल का समय भी वही है कि पढ़ाई करने का ऐसा कोई नहीं है कि किसी को मौका नहीं मिलता। जो सामान्य परिवार है वो सब चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, और इसी तरह से और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको नहीं मिलता, जिनके पेरेंट्स या नहीं है, या जिनके पेरेंट्स के पास ये सुविधा नहीं होती। व्यवस्था नहीं है। जी जी बहुत सारे गांव और ऐसे एरियाज हैं, लेकिन शहरों में कहीं ना कहीं ऐसे है जहाँ पर बच्चे आगे बढ़ रही है। लेकिन जिस परिवार से मैं आई तो उसमें भी यही चीजें हुई कि आप पढ़ोगे फिर आगे बढ़ के क्या करोगे। मेरी भी एजुकेशन छूटी थी बीच में, मैंने एक साल प्राइवेट भी किया, तो ये चीजें मुझे कोशिश करके कि मैं लड़कियों को मोटिवेट कर सकूं, जो लड़कियां गांव में है स्कूल नहीं जा पाती या कहीं स्कूलें बहुत दूर दूर है, वो उनको मोटिवेट करने की मौका मिलता है कि आप जहाँ भी आपको शिक्षा मिल रही है आप अपने पेरेंट्स को सबसे पहले अपना दोस्त बनाएं और उनको अपने मन की हर एक बात बताएं, और उनको एक दोस्त की तरह रहेंगे तो आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगी और आप उसे आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलेगा। तो आप अपनी पढ़ाई या जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप पढ़ाई करना एक जरूरी है, आप जाएंगे जितने ज्यादा आगे जाएंगे उतनी ज्यादा चीजें सीखेंगे, हर एक कदम पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप एक कदम आगे जरूर बढ़ाइए। क्योंकि घर पर रहकर ये काम तो जिंदगी भर आपको करना ही ये चीजें है, लेकिन लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन हमें करना क्या है, वो चीजें तभी होगी जब हम एजुकेशन लेंगे। तो स्कूल जाना एक हर किसी का एक अधिकार है और जाना चाहिए, और जब सरकार इतनी मदद कर रही है, जो प्रयास भी कर रही है, तो हमें भी ये चीजें करनी चाहिए। तो मेरी कोशिश रहती है जब भी मैं गाँव की तरफ या कई दानियों की तरफ जाती हूँ तो वहाँ की स्कूल में जरूर जाती हूँ, वहाँ की लड़कियों से स्पेशली लड़कों से भी बात करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा हमारा, मैं खुद के समाज की बात करूँ तो हमारा खानदान एक लकड़ी का कारोबार है, कारोबार करते हैं, वो काम कर रहे हैं। तो उनमें ये रहता है कि यूथ थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको लगता है कि मैं फैक्ट्री में काम करूंगा और मैं बहुत अच्छी इनकम कमा लूंगा, 1000 रुपए महीने के, एक दिन के 1000 रुपए उनके पास आ जाते हैं, तो सोचेंगे पढ़ाई करके नौकरी करके करना ही क्या है, क्या करना है। ये चीजें भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में जाती है, तो तब भी मैं पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमारा कारोबार ये चीजें सब एक जगह है, लेकिन जिस बच्चे में आगे बढ़ने की ललक है, पढ़ने की ललक है, उसके प्रति हमें प्रेरित करना चाहिए, उन्हें आगे मोटिव करना चाहिए, तभी सब लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरी कोशिश हमेशा से रहती है कि लड़कियों को लड़कों को दोनों को साथ में लेकर और आगे बढ़ने की हम लोग प्रयास करें। बिल्कुल, शिक्षा बहुत आवश्यक है क्योंकि वही आपको सही और गलत का फर्क समझाती है, और पैसा ही केवल सब कुछ नहीं होता है, ज्ञान बहुत मिलना आवश्यक है। और जिसके लिए, जैसे आपने कहा, आपने बहुत एक अच्छी बात कही कि आपको ये जो आप पूरा घूमे हो उसने जो सिखाया है वो कोई और नहीं सिखा सकता, कोई इंस्टीट्यूट कोई कॉलेज आपको वो वाला ज्ञान नहीं दे सकता है जो आपने अपने अनुभव से लिया है। ये बात एकदम सही है। वंडरफुल, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं बहुत आपको शुभकामनाएं देती हूँ, और आप सारे हमारे सैनिक भाइयों को हमारे तरफ से भी धन्यवाद कहिए, और हमें उनसे बहुत प्रेम है और हमें उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा आदर है। वे ऐसा कभी ना सोचे कि हमारे लोगों को हमारे काम की कोई परवाह नहीं है। नहीं, हम बिल्कुल आपके लिए सोचते हैं, और यदि हमसे कुछ बन पाए तो हम जरूर करेंगे। यही हम सबके लिए सेट किया, हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करें, आगे बढ़े और एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, और ये हर एक किसी के कार्य को हम प्राउड करें और उसे भी सीखें और खुद भी दूसरों को भी सिखाते चले और आगे बढ़ते चले। जरूर जरूर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे बात करके, बहुत अच्छा। धन्यवाद पार्वती, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
हूँ।